हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को आइडिया वन कैसे फाइल करते हैं फॉर्म 16 से ये बताऊंगी। काफी लोगों ने मुझसे पूछा है कि आइडिया वन कैसे फाइल कर रहे हैं, इस पे भी आप वीडियो बनाएं, तो आप सबके लिए ये वीडियो है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को फॉर्म 16 बताती हूँ कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे और उसको कैसे देखते हैं। तो आपको फॉर्म 16 के नाम पे दो पार्ट्स मिलते हैं, एक पार्ट ए होता है और एक पार्ट बी होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है पार्ट ए। पार्ट ए में शॉर्ट में क्वार्टर वाइज डिटेल होती है, कितना आपको अमाउंट पे किया है सैलरी का एंड उस पे कितना टैक्स होता है, वो क्वार्टर वाइज डिटेल होती है, दैट इज शॉर्ट इन अ समरी। बट पार्ट बी जो होता है, पार्ट बी में डिटेल वाइज होता है कि आपका जो टैक्स कटा है उसे कंप्यूट कैसे किया था एनुअली। तो आप जैसे देख सकते हैं ये पार्ट बी है, इसमें आपको सैलरी की डिटेल मिलेगी, परक्विसिट्स मिले तो परक्विसिट्स की डिटेल होगी, एग्जेम्पशंस कौन कौन से आपको मिले हैं, ये सारी डिटेल आपको फॉर्म 16 के पार्ट बी में मिलेगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ सैलरी है, सैलरी से जैसे ही मैं स्क्रॉल डाउन करूंगी तो आपको एचआरए का एग्जेम्पशन मिलेगा, मीन्स कि इनकी सैलरी में एचआरए कॉम्पोनेंट भी है। देखेंगे हम कंपोनेंट कहाँ से देते हैं, बट अभी मैं आपको बता रही हूँ कौन कौन से कॉलम्स होते हैं। तो एचआरए का एग्जेम्पशन इनको मिला है। अगर आप फॉर्म 16 से रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो ये ड्यूटी बनती है कि आपको एग्जेम्पशन सही कंप्यूट हुआ है कि नहीं, ये एक बार देखना चाहिए। तो एचआरए का कैसे एग्जेम्पशन कैलकुलेट होता है मैं ये भी आपको बताती हूँ, बट पहले अपन देख लेते हैं फॉर्म 16 में क्या क्या है। ऐसे आपके टोटल अमाउंट आफ्टर एग्जेम्पशन बनता है, उसके बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट दैट इज प्रोफेशनल टैक्स 2500 का डिडक्शन होता है, और फिर आपकी इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी आ जाती है जो कि यहाँ पर 29,98,655 है। इसके बाद अगर आपने एम्प्लॉयर को अदर इनकम रिपोर्ट किया, जैसे हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, अगर हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड लोन लिया है तो लोन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, तो वो आपको 7th पॉइंट के पार्ट ए में मिलेगी। और अगर अदर सोर्सेज से रिलेटेड की इन्फॉर्मेशन, जैसे FD पे इंटरेस्ट कितना है ये सब बताया होगा, तो 7th पॉइंट के बी में मिलेगा आपको ये डिटेल इंटरेस्ट से रिलेटेड। इसके अलावा अगर आप बिजनेस एंड प्रोफेशन से भी इनकम कमाते हैं, आप सैलरीड हैं बट आपकी बिजनेस से भी इनकम है, तो बट वो आप एम्प्लॉयर को नहीं बता सकते क्योंकि सेक्शन 192 बस हाउस प्रॉपर्टी और अदर सोर्सेस को ही बताता है कि आप ये इंफॉर्मेशन ही एम्प्लॉयर को डिस्क्लोज कर सकते हैं, इसके अलावा और कोई इनकम नहीं, इसलिए कैपिटल गेन का यहाँ पर नहीं होता है कॉलम और बिजनेस एंड प्रोफेशन का नहीं होता। उसके बाद आपको डिडक्शंस की डिटेल होंगी कि एम्प्लॉय ने कहाँ कहाँ डिडक्शंस किए हैं, जो आप डिक्लेरेशन देंगे वो ही आपके फॉर्म 16 में रिफ्लेक्ट करेगा। तो डिडक्शंस में और कोई डिटेल है नहीं इनके केस में, वरना अभी डोनेशन की भी डिटेल है क्योंकि लास्ट ईयर ड्यू टू कोविड काफी लोगों की एक दिन की सैलरी एज एन डोनेशन पीएम फंड में गई है। तो आपको जनरली इस साल के फॉर्म 16 में 80G का डोनेशन भी मिलेगा। फिर आपका टैक्स की डिटेल्स होंगी। इसके अलावा एक चीज और आपको मांगनी चाहिए, वो है एनेक्जर। जो एनेक्जर सैलरी के साथ रहता है जिसमें सैलरी की डिटेल होती है, ब्रेकअप ऑफ सैलरी होती है, इससे आपको बेसिक की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और एचआरए की, क्योंकि आपको एचआरए का एग्जेम्पशन कंप्यूट करना है तो उसके लिए आपको बेसिक और एचआरए की डिटेल चाहिए होगी, और इसके साथ ही साथ कितना रेंट पे किया है इसकी जरूरत होगी। तो ये हमने अभी फॉर्म 16 समझा है, अब मैं आपको कंप्यूटेशन पे ले चलती हूँ। फॉर्म 16 के बेसिस में आपको कंप्यूटेशन बनाना है, इनकम फ्रॉम सैलरी जिसमें ग्रॉस सैलरी आपको एज इट इज फ्रॉम फॉर्म 16 से लेना है, आपको एचआरए का कंप्यूटेशन करना है। तो एचआरए का कंप्यूटेशन कैसे होगा, जो एक्चुअल एचआरए है आप पहले वो लिखते हैं पूरे साल भर का, फिर जो बेसिक सैलरी है, बेसिक सैलरी का 40% अगर अदर देन मेट्रो सिटीज में है, और अगर मेट्रो सिटीज है तो 50% ऑफ बेसिक सैलरी लेंगे, और थर्ड पॉइंट जो है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ बेसिक सैलरी, ये तीनों आप कंप्यूट करेंगे और विच एवर इज लोअर विल बी योर एग्जेम्पशन ऑफ एचआरए।
एक्चुअल एचआर रखें, सेकेंड पॉइंट में 40% ऑफ बेसिक सैलरी अगर नॉन मेट्रो सिटी है, मेट्रो में 50%, एंड थर्ड है रेंट पे, जितना भी आपने रेंट पे किया है जहां आप रहते हैं, -10% ऑफ बेसिक सैलरी। इन तीनों में जो भी सबसे कम अमाउंट होगा वो आपका एग्जेम्पशन अमाउंट बन जाएगा। फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ प्रोफेशनल टैक्स आप देंगे, उसके बाद अगर अदर सोर्सेस की इंफॉर्मेशन है तो वो देंगे, एंड आप फिर उसके बाद कंप्यूट करेंगे। तो यह ऐसे आपका कंप्यूटेशन बन जाएगा। इसके बाद मैं आप लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न पे ले चलती हूँ। आप इनकम टैक्स साइट पे लॉगिन करेंगे, ई फाइल में जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न में फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, उसके बाद वो आपसे असेसमेंट ईयर पूछेगा। ऑनलाइन फाइल करना चाहते हो ऑनलाइन आपको सिलेक्ट करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको स्टार्ट न्यू फाइलिंग करके फॉर्म सिलेक्ट करना है, ये कौन सा फॉर्म है जो आप फिल करना चाहते हैं। तो आईटीआर 1 फिल करना चाहते हैं, इसलिए मैं रिज्यूम फाइलिंग कर रही हूँ। उसके बाद आपको सारे शेड्यूल्स आपके ओपन हो जाएंगे, उसमें सबसे पहले पर्सनल इंफॉर्मेशन पे आपको क्लिक करना होगा, और उसमें आपको पर्सनल डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट कौन सा है, गवर्नमेंट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पेंशनर, अदर, अगर प्राइवेट सेक्टर है तो अदर आप सिलेक्ट करेंगे, फाइलिंग सेक्शन सिलेक्ट करेंगे, एंड उसके बाद आप न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट करना चाहते हैं या नहीं। अगर आपके केस में काफी डिडक्शंस हैं, जैसे हाउस प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट है, या फिर अभी हमने देखा एचआरए का एग्जेम्पशन है, तो इसलिए मैं न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट नहीं कर रही, क्योंकि अगर न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करूंगी तो मुझे वो सारे बेनिफिट नहीं मिलेंगे। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपके केस में कितने डिडक्शंस है, अगर डिडक्शंस नहीं है तो आप बेशक न्यू टैक्स रिजीम में ले जा सकते हैं, अदरवाइज आपको नहीं ऑप्ट करना चाहिए। अगर आपके 80C के डिडक्शन हैं, अदर डिडक्शन हैं, फिर आपको बैंक अकाउंट सिलेक्ट करके ये सबको कंफर्म करना है। फिर ग्रॉस टोटल इनकम पे क्लिक करना है, सारी चीजें प्रीफिल्ड होगी बट आपको चेक करना पड़ेगा। उसके बाद वो आपसे सैलरी एग्जेम्पशन पूछेंगे, आपको यस नो करना है, जैसे कि आपको क्या कॉस्ट ऑफ ट्रैवल का एग्जेम्पशन है या मेंटेनेंस ऑफ यूनिफॉर्म का, तो आप वो सेलेक्ट करें। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का डिडक्शन आप क्लेम कर रहे हैं तो यस या नो। फिर हाउस रेंट अलाउंस का यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ गया है, क्योंकि जो प्रीफिल डेटा है, प्रीफिल डेटा में आपके एम्प्लॉयर ने जो फॉर्म 16 में इंफॉर्मेशन बताई है वो सब यहाँ पर आएंगे, बट आपके पास तब भी इन है ऑप्शन डू यू अग्री विद द इंफॉर्मेशन। मेरे केस में जो एग्जेम्पशन अमाउंट है वो सही है जो मैंने कंप्यूट किया था, इसलिए मैं येस पे क्लिक करूंगी। अदरवाइज आप नो करके भी अपनी डिटेल्स डाल सकते हैं। लीव ट्रैवल अलाउंस है तो आप यस करें, अदरवाइज नो, और कोई डिडक्शन है तो आप यस करें, अदरवाइज नो। तो ये तो हो गई सैलरी से रिलेटेड। अगर आप यहाँ वहां पर आंसर्स कर देते हैं तो सैलरी की शेड्यूल काफी हद तक फिल हो जाएगी। फिर आप देखेंगे कि ग्रॉस सैलरी ऑटोमेटिक आपकी आ जाएगी, एग्जेम्पशन अलाउंस जो एचआरए का है वो आपके आ जाएगा, नेट सैलरी आ जाएगी, जो डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 है 50,000-2,500 के, ये ऑटोमेटिक आ जाएंगे, सिर्फ आपको वेरीफाई करना है। और मैं आपको एडिट करके भी बता देती हूँ। एडिट करने के बाद भी आपको सेम फॉर्म 16 के बेसिस पे ही भरनी है। ग्रॉस सैलरी हो गई, परक्विसिट्स हैं आपके केस में तो बी पॉइंट में परक्विसिट्स हो गए, प्रॉफिट इन लियू ऑफ सैलरी है तो आप सी पॉइंट में दे दें। इसके अलावा आपके पास जो एग्जेम्पशंस हैं तो आप यहां से ऐड करते जाएंगे एग्जेम्पशंस को, और उसके बाद डिडक्शंस सिर्फ दो ही होते हैं तो इसके बाद आपको सेव करना है। ऐसे आईटीआर 1 बहुत ही सिंपल रिटर्न है। इसके बाद हाउस प्रॉपर्टी की डिटेल डालनी है। हाउस प्रॉपर्टी की डिटेल कैसे, आप यहाँ पर एड और एडिट में क्लिक करेंगे और आपको टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी कौन सी है उसको सिलेक्ट करना है, सेल्फ ऑक्यूपाइड, लेट आउट या डीम लेट आउट। अगर आपके केस में वेकेंट भी है तब भी आपको डीम लेट आउट में क्लिक करके आपको बताना है। जैसे मैं लेट आउट पे क्लिक करती हूँ तो सबसे पहले आता है ग्रॉस रेंट रिसीव रिसीवेबल ड्यूरिंग द ईयर, तो आपको रेंट अमाउंट जो आपने रिसीव किया है या रिसीव करेंगे उसका अमाउंट फर्स्ट पे डालना है। म्यूनिसिपल टैक्स जो आपने पे किया है ड्यूरिंग द ईयर वो अमाउंट डालना है। उसके बाद 30% ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा, और उस अगर आपने कोई हाउसिंग लोन लेके रखा है तो उसमें जो आपने इंटरेस्ट पे किया ड्यूरिंग द ईयर वो आपको बताना है, और कोई आपके अरियर या अनरियलाइज्ड रेंट ड्यूरिंग द ईयर मिले तो आप 30% लेस करके अमाउंट डालें, तो ऐसे आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एड हो जाएगा।
मेरे केस में नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए हाउस प्रॉपर्टी का शेड्यूल ओपन किया है। इसके बाद आपको सिर्फ अदर सोर्सेज की और डिटेल डालनी है, एड डिटेल्स पे क्लिक करके एंड ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगी। आपके केस में कोई एग्जेम्पशन है, एग्जेम्प्ट इनकम है तो आप वो और बताएंगे। ऐसे आपकी ग्रॉस टोटल इनकम फिल हो जाएगी। टोटल डिडक्शंस फिर आपको फिल करने हैं। टोटल डिडक्शन में आपके 80C से रिलेटेड डोनेशन है तो आपको डोनेशन में यस करके, जैसे पीएम फंड में अगर डोनेट करा है तो आपको यस करके पीएम फंड का पैन एंड उस एड्रेस और अमाउंट बताना है। वैसे ही अगर साइंटिफिक रिसर्च में करा है, आपको जो भी आपके एप्लीकेबल डिडक्शन है वो आपको यस या नो रिस्पेक्टिवली सिलेक्ट करने हैं। जैसे 80D में आप प्रिवेंटिव हेल्थ का भी बेनिफिट ले सकते हैं तो मैं उसको यस करती हूँ। और इसके अलावा कोई डिडक्शन है तो यहाँ से आप बता सकते हैं। आपने अगर सेविंग बैंक का इंटरेस्ट डिस्क्लोज किया तो आप 80TTA पे इसका डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। ATC हो गया, ATD हो गया। ATD में मैं प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का दे सकती हूँ क्योंकि जनरली लोग हेल्थ चेकअप साल भर में करवाते ही हैं, तो यहाँ पर मैंने नो सेलेक्ट करा है क्योंकि ये पूछता है आप या आपके कोई फैमिली मेंबर सीनियर सिटीजन है, तो यहाँ नो सेलेक्ट करा है। इसलिए फर्स्ट पॉइंट में प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में 5000 का बेनिफिट दे दिया है। ऐसे करके आप इसको सेव करेंगे। अल्टीमेटली आप सेव करेंगे तो ये कन्फर्म हो जाएगा, तो आपके डिडक्शंस भी आप टोटल डिडक्शन वाले शेड्यूल में डाल सकते हैं। टैक्स पेड आपके 26S से ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट करेगा। आपको वेरीफाई करना है कि जो टीडीएस डिटेल है वो सही है कि नहीं है। एंड अगर आपके केस में TCS है अदर देन सैलरी पे टीडीएस कटा जैसे FD के इंटरेस्ट में, तो आप सेकेंड जो कॉलम है उसमें शो होगा। अगर आपने कोई एडवांस टैक्स सेल्फ असेसमेंट टैक्स जमा किया तो आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा सबसे लास्ट कॉलम में एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स में एड अनादर करके और कंफर्म पे आप क्लिक करेंगे। ऐसे करके आपके टैक्स पेड शेड्यूल भी हो जाएगा। टोटल टैक्स लाइबिलिटी आपकी कंप्यूट होगी अकॉर्डिंग टू योर इन्फॉर्मेशन। तो ग्रॉस टोटल इनकम है उस पे टैक्स कंप्यूट होगा। आपने जो टैक्स पे किया है उसको माइनस करने के बाद आपका रिफंड या पेबल डिसाइड होगा। इंटरेस्ट अभी कुछ भी नहीं लगेगा। अगर इंटरेस्ट लग भी रहा है तो इस बार की यूटिलिटी में आपको डिटेल उसका बाइफर्केशन होगा कि 234C कैसे कैलकुलेट हुआ, 234B कैसे हुआ है एंड आपको रिफंड या पेबल प्रोसीड पे आप क्लिक करेंगे तो आपके अमाउंट आ जाएगा। फिर आपको प्रीव्यू करना है रिटर्न एंड आपको सिर्फ टिक करके प्रोसीड टू प्रीव्यू में क्लिक करना है। ऐसे आप ITR 1 फाइल करेंगे। तो होप आपको ITR 1 समझ आई होगी। तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको ऐसी ही एजुकेशनल वीडियो मिलते रहेंगे। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।